फिल्म सिटी का 3 घंटे का गाइडेड टूर। अरे हमें मालूम है बाबूजी, बहुत अच्छी बात है। फिल्म सिटी का फेमस मंदिर, यही है गोकुलधाम सोसाइटी। जेल, 10 करोड़ रुपए के लिए कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। हाय गाइस, वेलकम टू गरिमास गुड लाइफ। यू नो, जब भी कोई मुंबई आ रहा होता है या आ जाता है तो मुझसे जरूर पूछता है कि गरिमा, हमें ना फिल्म सिटी देखने जाना है, सेट्स देखने, लोकेशंस देखने, कैसे जाएं। देखो, मैं तो एक बार आप लोगों को फिल्म सिटी अपनी तरफ से घुमा चुकी हूँ एज एन एक्टर। मैं तो यहाँ पे अंदर जाती रहती हूँ, लेकिन अगर आप मुंबई आ रहे हैं तो आप फिल्म सिटी कैसे घूम सकते हैं, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन। मुंबई फिल्म सिटी और बॉलीवुड पार्क के इस टूर का टिकट प्राइस है 999 रुपीज, और ये टिकट या तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या फिर फिल्म सिटी के एंट्री पे ही टिकटिंग ऑफिस है, वहां से आप इसे बुक कर सकते हैं। एक दिन में ये टूर 4 स्लॉट्स में कराया जाता है। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं फिल्म सिटी का 3 घंटे का गाइडेड टूर, जिसमें हम फिल्म सिटी घूमेंगे, बस में घूमेंगे। मैंने आज तक ये काम पहले कभी नहीं किया, आप लोगों की वजह से फर्स्ट टाइम करने जा रही हूँ, और साथ में देखेंगे बॉलीवुड पार्क। सो गाइज, ये है एसी बस जिसमें हम जाएंगे फिल्म सिटी का टूर करने के लिए। ये लोग ना एक एक करके आपका नाम बुलाते हैं और फिर आपको बस में ऑन बोर्ड करवाते हैं। तो भैया, ये एंटर हुई हमारी बस फिल्म सिटी के अंदर। इस टूर में हर बस के अंदर एक गाइड होते हैं जो कि बहुत ही मजाकिया अंदाज में लोगों को एंटरटेन करते हैं और साथ ही फिल्म सिटी की सारी लोकेशंस के बारे में जानकारी देते हैं। अरे हमें मालूम है बाबूजी, बहुत अच्छी बात है। अबे हम क्या मंदिर के घंटा है, चलो कोई भी आता है बजा के चला जाता है और चलो हमें मारो। हाँ, पहचान लिया पांडिया को? यस। A few minutes later. ये मैन हीरो है। आप इनको हाई करेंगे तो ये बाय करेंगे आपको। फाइट होनी है। वो जो जो एकदम वो मोटे से आदमी दिख रहे सर जी, ये हमारे बॉलीवुड के फाइट मास्टर हैं। ओके। अब ये गाड़ी घूमी हमारी कपिल शर्मा की तरफ। ये रही मुख्तार सुभाष जी की ऑफिस। Honestly, इस बस टूर से मुझे ऐसे ऐसे फिल्म सिटी के सेट्स के बारे में पता चला जो मेरे को भी पहले नहीं पता थे। दादा धीरे धीरे, आज तक इंसाफ नहीं मिला है, मिले तो सिर्फ तारीख मिली है। मैडम जी, मैं पाकिस्तान जाके हैंडपंप उखाड़ चुका हूँ। मैडम जी पहचान लिया होगा मुझे? बिल्कुल सर, इधर से अदालत है, ये है बॉलीवुड। इसकी दूसरी दीवार देख के हंसी आ जाएगी, ये देखिए चर्च। A few moments later. So friends, ये जो बस है ना, ये फिल्म सिटी के अंदर अंदर सारा टूर कराती है, सारे सीरियल्स के सेट्स वेट्स दिखाती है, और ये है हमारा पहला स्टॉप। आओ दिखाती हूँ क्या है। फिल्म सिटी का फेमस मंदिर। औरतें अपने पति की लंबी उम्र के धागे लपेटती है इसी में। शूटिंग खत्म, धागा नोच ले, कौन सा पति? हर पति चेंज होते रहे सीरियल में। इन्हीं सीढ़ियों पे भिखारी बैठते, कुछ मिलता नहीं है। शूटिंग खत्म होती 2000 मिल जाते क्योंकि वो एक्टर होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उतरने के बाद आपको टाइम दिया जाएगा इस मंदिर को एक्सप्लोर करने का। कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए, बीवी हो तो ऐसी, और जैकी श्रॉफ के दूध का कर्ज है ना, और नागिन, और पुलिस गिरी, स्वर्ग में गोविंदा जी खाना बांट रहे, रजत खन्ना जी ले रहे, दिल पिक्चर में नकली नोटों में अनुपम खेर के भाग रहे। कोई भी सीरियल उठा के देख लें, इन्हीं सीढ़ियों पर से गिरती हीरोइने, और यहीं पर बहुत सारी सीन होती है। अच्छा एक चीज और, ये पहली मंदिर जहाँ पे शूटिंग होती है, तो भगवान जी को लेकर आते हैं, शूटिंग खत्म भगवान जी का बैकअप, ठीक है। और भाई साहब, अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैन हैं तो ये सवारी आपको गोकुल धाम तक भी लेकर जाएगी। लेट्स गो। पीछे ना ये जो पूरा आपको दिख रहा है, यही है गोकुल धाम सोसाइटी। देख रहे हो, एक फोर्ट्रेस की तरह इसको गार्ड कर रखा है यहाँ पर। तो दूर से ही गोकुल धाम के दर्शन करके आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सेट काफी हेविली गार्डेड है। अब A little later. इस टूर में आप लोगों को कपिल शर्मा का सेट दिखाया जाएगा, देन यहाँ पे पीछे जिसे जेल बनाया जाता है वो सेट दिखाया जाएगा, बीच बीच में चल रही तमाम शूटिंग्स दिखाई जाएंगी। इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग आई मस्ट से। वाह, ये पेड़ो ना।
घंटे के फिल्म सिटी के टूर के बाद फाइनली बस ने हमें लाके छोड़ा है बॉलीवुड पार्क पे। ये यहाँ का नया अट्रैक्शन है, देखते हैं अंदर जाके यहाँ पे दो घंटे के लिए आप क्या टाइम पास कर सकते हो। आ जाओ, वेलकम टू बॉलीवुड पार्क। आपका आउटडोर टूर हो गया होगा राइट? बॉलीवुड शो एंटरटेनमेंट के लिए लाइक डांस, सिंगिंग, कॉमेडी, ये सब परफॉर्मेंसेस होंगी यहाँ पे। सेकेंड शो आपका होगा क्रोमा शो, जो टेक्निकल शो है लाइक मूवीज कैसे बनती है, म्यूजिक कैसे बनता है बताया जाएगा। थोड़ी सी फन एक्टिविटीज होंगी आपके साथ। बॉलीवुड का काफी अच्छा माहौल बना रखा है इन लोगों ने यहाँ पे। लेट्स गो टू द फर्स्ट शो। अरे ये कौन है? पहचाना नहीं। पीके, पीके। अच्छा पीके मिल गए हमको। हम पीके बोला का मैजू का भी दिखाएगा। हाँ हम यहाँ आया और हमारा फ्यूज उड़ गया। अरे बाप रे, ये मैजू का। बॉलीवुड शो में स्टार्टिंग हुई स्टैंड अप कॉमेडी से, जिसमें रोहित प्यारे नाम के आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और उसके बाद टू माय सरप्राइज जूनियर गोविंदा जी आए और उन्होंने वहां पर डांस करके ठुमके लगाकर मजा ही बांध दिया। सो गाइज, शो खत्म होने के बाद आप यहाँ पर जो हमारे जूनियर गोविंदा है या जो भी एक्टर परफॉर्म कर रहे हैं ना, उनके साथ फोटो भी खिंचवा सकते हैं। भाई मजा आया गाइज। बॉलीवुड पार्क के अंदर सेल्फी पॉइंट है जहाँ पे अलग अलग प्रॉप्स रखे हुए हैं, आप इन पे बैठ के फोटो खिंचा सकते हैं। All is well. वाह, शाही कुर्सी। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, गोलमाल, गोलमाल, एवरीथिंग इज गोना बी गोलमाल। ये वो वाली बाइक है, फर्स्ट गोलमाल वाली, याद है? पता नहीं 5 या 6 सीटर थी जिसमें सब लोग बैठ के साथ में घूमा करते थे। दिस इज ऑसम यार, बहुत ही मजे की जगह है ये बॉलीवुड पार्क। बसंती, इन डॉगीज के सामने मत नाचना वरना क्या हो जाएगी, जेल। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टूर वॉज क्रोमा स्टूडियो, जहाँ पे बहुत ही ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया गया कि मूवीज में क्रोमा सेट्स पे शूट कैसे किया जाता है। ऑनेस्टली दिस पार्ट वॉज रियली एंगेजिंग। जब सी शूट हुआ तो एक हरे गंदे भी गिरे थे, ना कि खाई में। खाई का इफेक्ट बाद में डाला गया है। और उसके बाद विशाल नाम के आर्टिस्ट ने फॉली वर्क करके दिखाया और बताया कि साउंड इफेक्ट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। ऑडियंस ने ये पूरा शो बहुत एंजॉय किया। बॉलीवुड पार्क के अंदर जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे सेट्स भी बना रखे हैं जहाँ पे आपका जितनी देर दिल करे आप फोटो खिंचाइए। You can feel like a star. More cutouts. Let's go and check out the wax museum now. इसे देख के पता चलता है कि ये बॉलीवुड वैक्स म्यूजियम है, क्योंकि जादू की वैक्स स्टैच्यू मैंने आज तक कभी कहीं पे नहीं देखी है। और बहुत सारे यहाँ पे स्टैच्यूज हैं, आप चाहें तो आप इनके साथ भी पिक्चर खिंचा सकते हैं। मैडम टुसॉड्स जाने की जरूरत नहीं है, अब लंदन कौन जाएगा जी। अगला प्रश्न, 10 करोड़ रुपए के लिए। एंड फ्रेंड्स, इस 3 घंटे के टूर के बाद अगर आपको भूख लगे तो देर इज अ बॉलीवुड कैफेटेरिया जहाँ पे मिलता है बहुत ही ऑसम फिल्म सिटी का खाना। आप लोगों को तो पता ही है कि फिल्म सिटी की कैफेटेरिया का खाना मुझे कितना पसंद है, मैंने यहाँ पे भी टेस्ट किया है। नाइस, ट्राई करना। ओके एंड गाइस, सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट। ये देखो यहाँ पे बॉलीवुड कॉस्ट्यूम्स आर एट डिस्प्ले, आप कोई भी एक कॉस्ट्यूम यहाँ पे फ्री में पहन के फोटो खिंचा सकते हो। हाउ कूल इज दिस राइट?
लग रही हूँ मस्तानी। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। क्या बात है यार, खड़े खड़े यहाँ पे इन्होंने मेरा हुलिया ही पलट कर दिया। अगर आप लोग यहाँ पर आओगे, आप कौन से बॉलीवुड कैरेक्टर के कपड़े पहनना चाहोगे मुझे नीचे कमेंट से बताना। ओके, लेट मी गो एंड चेंज नाउ। ये लीजिए। सो फ्रेंड्स, टूर खत्म, पैसा हजम। बाय द वे, 3 घंटे कहाँ गए ना पता ही नहीं चला। दिस वॉज अ प्रिटी एंटरटेनिंग टूर। सो अगर आप मुंबई आ रहे हो, आने वाले हो, मुंबई में रहते भी हो ना, तो भी आके एक बार इस फिल्म सिटी टूर को एक्सपीरियंस ज़रूर करना। मैं सारी डिटेल्स आप लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके बाय, आई लव यू ऑल।